रसोई में आपका स्वागत है। आज हम व्रत स्पेशल डिश बनाने वाले हैं और बहुत ही इजी डिश है ये, और इसको साबूदाना की पूरी बोलते हैं। तो साबूदाना की पूरी किस तरह के से बनाया जाता है चलिए देखते हैं, और उसके लिए किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए साबूदाना का पाउडर है, इसको साबूदाना को मैं पीस ली हूँ, बारीक पीस ली हूँ। तो ये आधा कप है यानी ग्राम में करीब 100 ग्राम है। और एक उबला हुआ आलू ले लिए हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती ले लिए हैं, थोड़ा सा ये सेंधा नमक है, व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आलू है, आलू को पूरी तरीके से मैश कर लेते हैं। इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर एक ही आलू है तो मैं हाथ से ही इसको मैश कर ले रही हूँ। सबसे पहले आलू को अच्छी तरीके से मैं मैश कर ले रही हूँ। ये देखिए मैं आलू को पूरी तरीके से मैश कर ली हूँ। इसके बाद फिर इसी में साबूदाना का आटा को डाल दे रहे हैं, और इसके साथ थोड़ा सा मैं अजवाइन ली हूँ। यदि आप व्रत में अजवाइन खाना पसंद करते हैं तो डालें, ऑप्शनल है, वरना ना डालें। फिर इसमें सेंधा नमक डाली हूँ, और उसके बाद अच्छा फ्लेवर के लिए थोड़ा से कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जैसे पूरी का डो बनाते हैं उसी तरीके से डो बनाना है। तो शुरू में कम पानी डालें। देखिए इसको डो बढ़िया बना के तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा देर रख देते हैं ताकि हमारा सेट हो जाए डो। ये देखिए पूड़ी बनाने के लिए आटा बना के रखे थे, वो बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है हमारा, थोड़ा से सेट हो गया है। तो इसको थोड़ा से ऐसे करके और बढ़िया से मसल लेते हैं ताकि बेलने में हमको कोई कठिनाई ना हो। ये देखें इसके बाद इसका छोटा छोटा जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से ऐसे छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। ये देखें लोई बनाने के बाद ऐसे हाथ में थोड़ा से घी से ग्रीस कर लेना है, घी से या तेल से कोई सा भी। फिर इसके बाद ऐसे इसका बना लेना है। और ये प्लेटफार्म को मैं अच्छी तरीके से बढ़िया से साफ कर ली हूँ, और इसमें थोड़ा सा घी लगा देना है इसमें भी, और इसको ऐसे करके बेल लेते हैं। छोटा छोटा पूड़ी ये बढ़िया से इस तरीके से बन जाता है, एकदम इसको पतला ना बेलें। ये देखिए एक और पूड़ी बनाने के लिए डो बना लिए हैं, और ऐसे करके थोड़ा से हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल एकदम ज़ोर से दबा के नहीं बेलना है, तो हमारा पूड़ी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए इसी तरीके से मैं पूरा पूड़ी को बेल के तैयार करती हूँ। फ्राई करने के लिए इस तरीके से देखिए तेल गरम कर लिए हैं, और तेल हमारा मीडियम गरम है, और पूड़ी को देखिए बेल लिए हैं। तो इसको एक एक करके फ्राई कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। तेल हमारा ज़्यादा है तो दो पूड़ी भी एक साथ इसमें डाला जा सकता है। ये देखिए फूल भी रहा है, ये ऐसे थोड़ा से दबा देने के बाद बढ़िया फूल जाता है। फूलने के बाद इसको ऐसे हल्का से पलट पलट के पकाना है। ये साबूदाना और आलू सिर्फ इसमें डला है, लेकिन कितना बढ़िया देखिए पूरी फूल के तैयार हो रहा है। ये देखिए पलट पलट के इसको पका लिए हैं। ये थोड़ा हल्का ही ब्राउन रहता है, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, क्योंकि ये साबूदाना का पूड़ी रहता है। और बिल्कुल देखिए नॉर्मल पूड़ी की तरह कितना बढ़िया फूला हुआ है। तो बाकी पूड़ी को मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा साबूदाना का पूड़ी बन के तैयार हो गया है, और ये ऊपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगा। इसको आप व्रत वाली चटनी आती है नारियल के, मैं 3 प्रकार की व्रत वाली चटनी बनाई हूँ, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, उसके साथ आप खा सकते हैं, इसको आप भी बना सकते हैं। तो इस नवरात्रि में इस तरीके से पूड़ी ज़रूर बना के खाएं। अक्सर हम क्या है सिंघाड़ा का पूड़ी बनाते हैं और पकौड़ा वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज मैं साबूदाना का पूड़ी बनाई हूँ। साबूदाना का अक्सर बड़ा बनाया जाता है, लेकिन आप पूड़ी बना के देखें कितना टेस्टी रहता है, और खाएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।